फ्रेंड्स, कोविड की वजह से यहाँ पर लैपटॉप का मार्केट और ट्रेंड काफी ज्यादा ही डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ पर अब लोग वर्क फ्रॉम होम करना प्रिफेयर कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको एक अच्छे खासे लैपटॉप की जरूरत रहती है। और स्टूडेंट यहाँ पर उनको ऑनलाइन क्लासेस और यहाँ पर प्रोजेक्ट पे काम करना रहता है, जहाँ पर उनको एक लार्ज स्क्रीन की जरूरत रहती है, मतलब एक लैपटॉप की जरूरत रहती है। और आप में से कितने सारे यूजर होंगे जो न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, तो आपको एक लैपटॉप की जरूरत रहेगी। तो इंडिया में 30,000 to 40,000 प्राइस सेगमेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा ही लैपटॉप की डिमांड रहती है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ज़्यादा ही लैपटॉप मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप टू बाय अंडर 30,000 to 35,000 के प्राइस सेगमेंट में। तो यहाँ पर ये 5 लैपटॉप ये काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू अंडर 35,000 के लैपटॉप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहता हूँ कि आप मिस न कर दो। यहाँ पर लिस्ट शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो 30,000 to 35,000 के प्राइस सेगमेंट में, तो यहाँ पर आपको इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर मिलेंगे। अगर आप एएमडी के प्रोसेसर को चूज करोगे तो यहाँ पर एएमडी का राइजन 3 थर्ड जेन के प्रोसेसर को कम से कम लेना है, उसके नीचे वाले को नहीं लेना है। ना एएमडी का एथलोन प्रोसेसर लेना है, ना सेकंड जेन प्रोसेसर लेना है। वहीं अगर आप इंटेल का प्रोसेसर लेते हो तो यहाँ पर इंटेल का कम से कम मिनिमम कोर i3 10th जनरेशन ही प्रोसेसर लेना है, उसके नीचे के कोई भी जेन या फिर पेंटियम आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर 5 पे आते हैं, यहाँ पर HP की तरफ से HP का लैपटॉप जो है HP का 15SGR0011AU। यहाँ पर ये लैपटॉप काफी अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर HP की थोड़ी तारीफ कर दूं तो HP का 27% मार्केट शेयर है PC मार्केट में, जो इंडिया में यहाँ पर इसको लीडर बना देता है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये HP का लैपटॉप काफी अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और आपको पता है HP का आफ्टर सेल सर्विस जो काफी अच्छे खासे रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड। तो यहाँ पर इसकी डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर ये सिल्वर मैट फिनिश के साथ आते हैं और काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 1.76 kg की आपको वेट मिलेगा और 20 mm की थिकनेस मिलती है, जो इसको काफी लाइटवेट और ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप बनाता है। तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगा, जो यहाँ पर फुल HD यहाँ पर रिजोल्यूशन के साथ आता है। और खास बात ये है, यहाँ पर 250 nits की ब्राइटनेस मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर आउटडोर और इंडोर यहाँ पर आप जो भी यूज करोगे तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पर व्यूइंग एंगल भी काफी अच्छा खासा है। अगर आप प्रोफेशनल यहाँ पर एडिटर हो तो आपके लिए लैपटॉप काफी बेस्ट रहेगा। तो वहीं प्रोसेसर की बात करें तो ये लैपटॉप में Ryzen 3 का यहाँ पर 3rd generation का प्रोसेसर है, जो 3.5 GHz के मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलेगी, और वहीं 2.6 GHz के आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलेगी। यहाँ पर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 1TB HDD बेस का आपको स्टोरेज मिलता है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आप SSD बेस की स्टोरेज लोगे तो आपको काफी अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। वहीं रैम की बात करें तो आपको 4GB DDR4 बेस की रैम मिलती है, और लेकिन खास बात ये यहाँ पर 16GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। और ये लैपटॉप में 41 Ah की आपको बैटरी मिलती है, और खास बात ये यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आते हैं। और HP ने क्लेम किया है यहाँ पर 12 Hours तक की आपको बैटरी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली में आपको 6 to 7 Hours तक की बैटरी मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर ये लैपटॉप काफी अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है और काफी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप की प्राइस अभी अराउंड 34,000 rupees चल रही है। और लिस्ट में यहाँ पर नंबर 4 पे आते हैं लिनोवो की तरफ से, लिनोवो का V14 V15। यहाँ पर दोस्तों आप में से कितने सारे यूजर रहते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं मुझे रफ एंड टफ लैपटॉप बताओ, जहाँ पर स्पीड रेजिस्टेंट भी हो और काफी अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस भी मिले, और यहाँ पर काफी अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिले। यहाँ पर ये लैपटॉप उन लोगों के लिए, यहाँ पर ये लैपटॉप में यहाँ पर खास बात ये यहाँ पर TPM 2.0 चिप मिलती है, जो काफी सिक्योर इस लैपटॉप को बना देता है। और वही ये लैपटॉप यहाँ पर 8 type के टेस्ट से पास हो चुके हैं, लाइक सॉफ्ट टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, कीबोर्ड इन सिस्टम टेस्ट, यहाँ पर हिंज लाइफ टेस्ट, यहाँ पर पेन रिलायबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर पैनल स्कॉप टेस्ट, यहाँ पर ऑपरेटिंग टेम्परेचर टेस्ट एंड प्रेशर टेस्ट, यहाँ पर इन सारे टेस्ट से यहाँ पर पास हो चुके हैं। और वहीं यहाँ पर इसमें कीबोर्ड काफी अच्छा खासा मिलेगा, यहाँ पर काफी अच्छे खासे स्पेसी कीबोर्ड और बड़े बटन के साथ मिलेगा, और डिसेंट की ट्रैवल मिलेगा। और खास बात ये है यहाँ पर स्पिल रेजिस्टेंट मिलता है, जी हाँ स्पिल रेजिस्टेंट। और यहाँ पर खास बात ये यहाँ पर इसमें काफी अच्छे खासे आपको हिंज मिलेंगे, जो मेटल अलॉय के साथ आया है, और यहाँ पर 180 degree तक रोटेट करता है, और यहाँ पर 3000 cycle time टेस्ट किया गया है, तो काफी अच्छी बात होती है। और ये लैपटॉप 1.85 kg वेट के साथ आता है, और यहाँ पर 20 mm की आपको थिकनेस मिलती है, तो ओवरऑल ये भी ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप है।
और यहाँ पर आपको काफी सिंपल सा आपको डिजाइन मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कोई वल्गर लोगो भी नहीं है। और यहाँ पर सामने डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बेजेलेस आपको टू साइड यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, जो यहाँ पर एच डी डिस्प्ले 15.6 इंच की, अगर भी 14 लोगे तो यहाँ पर आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। और इन मॉडल में यहाँ पर थोड़ी सी डाउनग्रेड है, यहाँ पर ये एच डी डिस्प्ले के साथ आते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आपको इस लैपटॉप के साथ तो भूल से भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ये लैपटॉप सिर्फ नॉर्मल यूजर के लिए है। और इसमें प्रोसेसर इंटेल के तरफ से कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, जो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ के बेस क्लॉक स्पीड के साथ आते हैं, और वहीं 4.1 गीगाहर्ट्ज़ के आपको मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलेगी। और यहाँ पर रैम की बात करें तो यहाँ पर 4GB DDR4 बेस के आपको रैम मिलती है, जो 16GB तक अपग्रेडेबल है। वहीं स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 256GB SSD बेस के आप स्टोरेज ले सकते हो, या फिर आप 1TB HDD बेस वर्जन भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका अगर लाइव प्राइस चेक कर ले तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये करीब 34,800 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। यहाँ पर हमारे लिस्ट में तीसरा लैपटॉप आता है, यहाँ पर डेल का इंस्पिरन। जी हाँ, यहाँ पर डेल की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा ये लैपटॉप है। यहाँ पर ये ऑफिस यूजर के लिए ध्यान में रख के बनाए गए, ये काफ़ी सिंपल यूजर के लिए। यहाँ पर अगर आप हैवी यूजर हो तो आपके लिए ये लैपटॉप का रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं डेल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी रहती है और उनके लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा ही चलते हैं। तो इसमें आपको 1.96 kg का आपको वेट मिलता है, या फिर आप अगर आप SSD वाला वर्जन लोगे तो वहाँ पर आपको 1.8 kg का आपको वेट मिलेगा इस लैपटॉप में। और ये 20mm की थिकनेस पे आते हैं, जो काफ़ी ठीक ठाक सही है। और वहीं यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको टू साइड माइक्रो एच डिस्प्ले मिलता है, और वहीं बॉटम में आपको ठीक बेजल मिलेगी जो डेल के लोगों के साथ आता है। यहाँ पर फुल HD रिजोल्यूशन है आपको डिस्प्ले मिलेगी, और वहीं यहाँ पर आपको UV एंगल भी काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पर कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी खासी है इस लैपटॉप में। तो यहाँ पर इसमें आपको AMD का Ryzen 3 थर्ड जनरेशन आपको प्रोसेसर मिलेगा, जो काफ़ी डिटेल से अच्छा खासा प्रोसेसर है। और वहीं रैम की बात करें तो यहाँ पर इस लैपटॉप में 8GB DDR4 बेस की आपको रैम मिलती है, जहाँ पर आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। और वहीं स्टोरेज में आपको 256GB SSD बेस की स्टोरेज मिलती है, या फिर आप 1TB HDD बेस की आपको स्टोरेज के साथ भी जा सकते हो। और यहाँ पर कीबोर्ड भी इसमें ठीक ठाक सही मिलते हैं, और वहीं वेबकैम और ऑडियो यहाँ पर दोनों ही अच्छा खासा मिलेगा, जो आपके ऑडियो कॉल यहाँ पर वीडियो कॉल में काफ़ी अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और इसमें बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 3 सेल लिथियम आयन की आपको बैटरी मिलती है, जो आपको 5-6 आवर्स तक की आपको एवरेज बैटरी लाइफ दे देगा। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 4,000 रुपीज़ का आपको SSD बेस वर्जन मिलेगा, और वहीं अगर HDD वर्जन आप लोगे तो 31,490 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर ASUS का लैपटॉप। यहाँ पर दोस्तों ASUS का VIVOBOOK 14, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं स्मार्टफोन में Redmi और Realme काफ़ी अच्छे खासे किलर स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं और काफ़ी अच्छी खासी प्राइस पॉइंट पे आते हैं, वैसे ही यहाँ पर लैपटॉप मार्केट में ASUS है। यहाँ पर ये ASUS काफी अच्छे खासे किलर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और काफी अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे आते हैं। ASUS VIVOBOOK 14 काफी लाइटवेट डिजाइन के साथ आते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 1.6 kg का आपको वेट मिलेगा। और वहीं थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे 23mm थिकनेस पे आते हैं, तो थोड़ा सा तो ज्यादा है, और लाइटवेट डिजाइन के साथ ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली बनता है। यहाँ पर आपको काफी सिंपल यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपको मेटल की ब्रश फिनिश मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर डिजाइन के मामले में काफी अच्छे खासे है। ASUS की तरफ से AR HDD स्वैप फीचर आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके स्टोरेज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। और वहीं यहाँ पर काफी अच्छी खासी मेटल की हिंज मिलती है, जो काफी अच्छी खासी ड्यूरेबल बनाता है इस लैपटॉप को। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये लैपटॉप काफी स्टर्डी और काफी ड्यूरेबल है। और वहीं हम इसकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ASUS VIVOBOOK 14, यहाँ पर 14 इंच का आपको डिस्प्ले मिलती है, जो फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आते हैं। यहाँ पर व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे, और यहाँ पे बेजल काफ़ी कम मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल की तरफ से i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पर रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB DDR4 बेस की आपको रैम मिलती है, जो 16GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। और वहीं स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 1TB HDD बेस की आपको स्टोरेज मिलती है। लेकिन खास बात ये यहाँ पर ASUS की तरफ से यहाँ पर डुअल हाइब्रिड स्टोरेज डिजाइन के साथ आते हैं, मीन्स यहाँ पर 1TB HDD बेस की स्टोरेज तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको एम्प्टी स्लॉट मिलेगा जो M.2 का है। यहाँ पर आप फ्यूचर में NVMe M.2 SSD बेस आप स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पर ASUS VIVOBOOK 14 टू सेल लिथियम आयन की बैटरी के साथ आते हैं, जो 32 वाट आवर्स की है। और यहाँ पर खास बात ये यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर 49 मिनट्स में यहाँ पर ये लैपटॉप 60% चार्ज हो जाएगा। और खास बात ये यहाँ पर इसके पोर्ट की, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको USB 3.2 Gen 1 Type-A का पोर्ट मिलता है, दो USB 2.0 Type-A का पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर 3.2 Gen 1 Type-C का पोर्ट मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये काफ़ी महंगा फीचर है, बजट में उतना देखने को नहीं मिलता है जो ASUS प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहीं प्राइस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये 34,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट पर आता है।
तो ये काफी अच्छा खासा किलर यहाँ पर लैपटॉप लगते हैं। और खास बात ये है, यहाँ पर ये लैपटॉप में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर विंडोज हेलो लॉगिन का सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप वन टच में यहाँ पर अपने लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हो। और यहाँ पर नंबर वन पे आते हैं मिनी नोटबुक 14। ये जैसा कि आप देख रहे हो काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आते हैं और काफी अच्छा खासा मॉडर्न अल्ट्रा लाइट वेट यहाँ पे डिजाइन मिलता है। तो मिनी नोटबुक 14 की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 केजी का आपको वेट मिलता है और वहीं 18 mm की थिकनेस मिलती है। मीन्स ये काफी अल्ट्रा स्लीक और लाइट वेट लैपटॉप इसको बनाते हैं और ये ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप हो जाते हैं। और यहाँ पर इसमें खास बात है, यहाँ पर आपको फैन यहाँ पर जो काफी लेस साउंड प्रोड्यूस करेगा और काफी लार्जर डायमीटर के साथ आते हैं जो काफी एयर इंटेक करेगा और थर्मल आपको कूलिंग सिस्टम इसमें काफी अच्छा खासा मिलेगा। की बात करें यहाँ पर 14 इंच की आपको फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिलती है जो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल मिलेगा और वहीं ब्राइटनेस तो काफी ठीक ठाक से मिलेंगे और यहाँ पर आप आउटडोर भी यूज कर सकते हो, इंडोर भी यूज कर सकते हो। और इसमें 720p का कैमरा मिलता है जो इन क्लासेस यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के लिए काफी ठीक ठाक सही है, क्योंकि इसमें एवरेज साइज स्पीकर मिलते हैं और स्पीकर से उतना कुछ उम्मीद नहीं कर सकते बजट लैपटॉप के। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है जो डिसेंट सा ही प्रोसेसर है। और वही यहाँ पर रैम की बात करें तो इसमें आपको 8GB DDR4 बेस की आपको रैम मिलती है और स्टोरेज यहाँ पर 256GB SSD बेस आपको स्टोरेज मिलता है। वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पर मी नोटबुक 14 अब 4-cell लिथियम आयन की बैटरी के साथ आता है। यहाँ पर 46 watt hours की आपको बैटरी मिलती है और खास बात ये यहाँ पर ये 65 watt के फास्ट चार्जर के साथ आते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा 5-6 hours तक की आपको एवरेज बैटरी लाइफ मिल ही जाएगी। वहीं इसकी प्राइस की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पर ये करीब 35,000 rupees का पड़ रहा है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा खासा लैपटॉप है मी नोटबुक 14। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।